हेलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन मोज़ेक वायरस हैज़ हमें नीचे फोर ऑप्शन दिए हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटीरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटीरियल सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एज अ जेनेटिक मटीरियल डबल स्टैंडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल तो पहले हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन का अगर की कॉन्सेप्ट देखें तो हमें यहाँ पे जो मोजेक वायरस है उसका जीनोम पूछा गया है तो हम यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट वायरस जीनोम ले सकते हैं तो जीनोम का मतलब भी होता है जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो तरह का हो सकता है इधर ये आर एन ए हो सकता है या फिर डी एन ए हो सकता है तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल में उन्होंने हमें कॉलीफ्लार मोजेक वायरस के बारे में कहा है तो जो कॉलीफ्लार मोजेक वायरस जो है ये बिलोंग करता है जीनस कॉलीमो वायरस तो यहां पे हम इसका जीनस लिखें तो वो हैलीमो वायरस तो यहाँ पे ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ये रेट्रो वायरसेस की तरह से है अब अगर हम देखें कि हमारा जो आ, रेट्रो वायरसेस का मीनिंग क्या होता है ये जो है बेसिकली वायरसेस जो है ये रेप्लीकेट करते हैं यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से तो इनका जो रेप्लीकेशन हो रहा है वहां पे जो प्रोसेस है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस एक्चुअली होता है रेट्रोवायरसस में मगर यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इस वायरस का वो आरएनए नहीं है वो डीएनए है और ये जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे एरेट्रो वायरसेस से ये यहाँ पे डिफर कर जाएगा तो इसका जो डीएनए यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डी एस टी एन ए हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ये ह्यूमंस से सिमिलर है और ये जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है जनरली ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है तो अगर अब हम यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन डी जो है दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक